पंजाब च लोहड़ी के त्यौहार से पतंगबाजी करने का शौक रखने वाले लोगों च काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर लोहड़ी के त्यौहार को लेकर माझा के इलाके अमृतसर बटाला च मुख तौर पर पतंगबाजी रवायत वजो होती है। बाजारों पतंगों वख-वख डिजाइनों से स्लोगन वाली पतंग देखने को मिल रही ने, लेकिन इस विचकार बटाला च लाइट वाली पतंग खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक नौजवान रविंदर ये पतंग तैयार कर रहा है। उस नौजवान का कहना है कि सोशल मीडिया राही उसने पतंग दी तस्वीर पाई सन तो उसे लगातार आर्डर मिल रहे हैं। आओ देखते हैं बबलू बटाला की रिपोर्ट। मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। गुड्डे बना मैं सर इलैक्ट्रीकल का जो पॉलीटैक्निकल डिप्लोमा करता सोते कोई कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट नवा पेश करीदा तो मेरे दिमाग च आया कि इस बार लोहड़ी से गुड्डे लाइट लगा के बना के उड़ाया जाए। गुड्डे इस टाइम मैं 30 गुड्डे बना चुका वहाँ डिमांड काफ़ी जगह तो आ रही है। आम होर भी कस्टमर जे फेसबुक पर भी देख के कॉल करते हैं। बिल्कुल ये कस्टमर की डिमांड पर बनाए जाते हैं। हाँ जी उस तो पिछले पहला भी पैराशूट आते चाइना के वह भी काम ठीक सीगा उस पर उस भी कुछ खतरा सीगा क्योंकि अग लगी होंगी सी। इस कोई खतरा नहीं है तो बहुत ही वधिया चीज़ बनाई हुई है। जिस तरह के भी कोई कस्टमर आखते कि यह चीज़ सू चाहिए है इस तरह के नाम अक्षर चाहिए है उस तरह का बना दीदा है। इस काफ़ी नुकसान सगा क्योंकि अग ना लगाई होंगी सी उस इस कोई खतरा नहीं है तो रात को भी ये उड़ती सोहनी लगती है लाइट जी। वरिंदर सबरवाल सोनू सबरवाल कहते ज़्यादातर जी और मैं ओला महल्ले का रहने वाला जे लागे DSP कोठी। मेरे भरा राहुल कुमार जी ने यह पतंगा बनाई हैं तो इलैक्ट्रॉनिक पतंगा ने तो बहुत शानदार बनाइया ने। इन्होंने सू तो 45 साल हो गए ने पतंगा उड़ाते लेकिन पहली बार इन्होंने नवी काइटा का याद की है कि चीज़ वक्री जी बनाई है तो मेरे बेटे को बहुत शौक है पतंगा का तो उन्होंने वास्ते मैं पतंगा लैन आया और बहुत मज़ा आ रहा है कि एक नवी चीज़ इन्होंने बटाले के लिया है। नहीं जी मैं बच्चे का नाम तो नहीं लिखाया लेकिन 2022 और लोहड़ी का लिखवा के तो मैं इन्होंने को पतंगा बनवाई हैं तो उम्मीद करना है कि सारे बटाले वाले इस चीज़ को वधिया समझणगे तो लैन की कोशिश करनगे तो बहुत वधिया उपराला वा इन्हों का जिहड़ी नवी चीज़ इन्होंने लिया की कोशिश की है बटाले के। बाकी मैं इन्हों का समर्थन करता जी।